उनहत्तर भादवा की चांदनी दूज और शनिवार के दिन बाबा रामदेव जी महाराज को अवतार हुयो और माह का महीना की दसवीं के दिन बाबा रामदेव जी महाराज समाधि लिया सम्मत 1515 में। तो अवतार से ले अंत तक की कथा है, अनंत बाबा रामदेव जी महाराज का परिचय है। जब मैं 24 प्रमाण 24 जो पर्चा बाबा रामदेव जी महाराज की अमृत कथा का है, जो प्रमाण सहित जगह प्रमाण आज भी मौजूद है, तो जब बाबा रामदेव जी महाराज सम्मत 1515 और माह का महीना की दसवीं के दिन समाधि लिया है, तो बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज ए मासी आया भाईया हरबू जी महाराज को गांव रुणीचा रामदेवरा से दो कोस आगे जी को नाम है गुमटी बठा का रह बड़ा है। बचपन से बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज मिला करता और जब दोनों भाई एक जगह होता आपका मंथन की अनेक प्रकार की बात आपस में कराया करता। जी के साथ में एक विशेष बात थी कि जब भी बाबा रामदेव जी महाराज और हरबू जी महाराज मिलता तो हरबू जी महाराज बारंबार की बात में याद रहता कि हे दाता कदे आ नहीं हो जाए कि आप समाधि ले लो, ये हरबू ने पतो ही नहीं पड़े। तो बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज ने धीरज बंधाता कहता हरबू जल्द मैं समाधि ले वाला तो ये बात का समाचार तन पहली कर दे वाला। पर समय इस प्रकार को आयो कि समाधि लेबा को जब समय आयो तो बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज ने समाचार कर को नहीं सकया कि आज तो अनेक साधन है पर भी वक्त साधन नहीं है। तो समाधि लेबा से पहले बाबा रामदेव जी महाराज आपका वंशज जो तंवर वंश है और उपस्थित जो भी भक्त गण है बन अनेक शिक्षा की बातें बताई तो जी वक्त बाबा रामदेव जी महाराज का वंशज तंवर और अनेक भक्तगण मौजूद है जंक मायने लखी बिंजारो भी मौजूद हो। बाबा रामदेव जी महाराज जब समाधि ले लिया पर्दो ले लिया संसार से लखी बिंजारो आपकी बालद ने उठाए बठा सरवाना हो गया दो कोस की दूरी के ऊपर हरबू जी महाराज का गांव गोंगटी के मायने पहुंचो तो गांव के बारल बंड पनगट होर पनगट का सारा आपके बालद ने ढाल दी। रात को विश्राम ले लियो और जब दिन उदय होयो तो लखी बिंजारा के नित नियम हो कि वो प्रभात के टाइम पर 4 बजे उठ जाया करतो और बाबा रामदेव जी महाराज को सुमरण कराया करतो। बठिने हरबू जी महाराज दादा स्वामी स्टूडियो में बेगा राम जी कि प्रभात के टाइम पर 4 बजे उठ जाया करता और आपकी दिनचर्या से निवृत्त हो भी पनगट के ऊपर स्नान करवा के वास्ते जाया करता जिस जगह लखी बिंजारो आपकी बाल ढाल में दी। हरबू जी महाराज पनगट के ऊपर पहुंचा वाजी वाह तन के ऊपर से वस्त्र उतार पनगट से पानी की बाल्टी निकाल और स्नान करवा की तैयारी कर रहा है। वाह वाह अठिन लखी बिंजारो आपकी बिंजारी निखेवे की बिंजारी उठ वाजी और बाबा राम सा पीर ने मनाई बाबो अपनी बाल्द में भली करे बाबो अपनी बाल्द में नफो देवे ठीक है। जी के साथ के मायने लखी बिंजारो
एक बाबा रामदेव जी महाराज से इस प्रकार की पुकार करे, विनती करे और खेवे हे जीव उठी समारे ओ बिन जारो धनिया ने ध्यावे कि मारा टांडा माई कुशल कराई वो मारा उठे समारे ओ बिन जारो धनिया ने ध्यावे सुथारो देवरो चढ़ाऊ दाता अंडो तो चाय पानी पीवा आराम से अलख दुहाई रे झूठे को नहीं बोला ओ जी पढ़ दे हो गया महाराज कमार पढ़ दे तो हो गया है पृथ्वी का राजा धन हो मेरा दे माई वो हारा ओ राम देसा कमर बिरम देसा भाई हो जी ओ बोलो राम सा पीर बाबा जय हो कि ऊठ समारे बिरजारो धनिया ने ध्यावे और खेवे कि महाराज टांडा माई कुशल कराई वो महाराज चिंसु थारो देवरो चढ़ाजू दाता अंडो और फिर एक गेरो गेरो जमलो जगाऊं वो महाराज हे बाबा राम सा पीर अगर मारी बालद के माय ने भली कर दे मारी बालद के माय ने नफो दे दे तो मैं थारी समाधि के ऊपर एक देवरो छिना दूं और बिकी प्रतिष्ठा कराई ऊपर अंडो कलश चढ़ाई और फिर एक साथ रो जमो जगा दूं पर कदे जद माली बालद में नफो देवे इस प्रकार से जद लखी बिन जारो बाबा रामदेव जी महाराज से अर्जी करी बोलवारी करी तो हरपुज महाराज को ध्यान बिनजारा के ऊपर चले गयो स्नान करबो तो बंद कर दियो और तुरंत लखी बिनजारा ने खियो रे बिनजारा काई खियो रे तू बारे काई समाचार किया एक बारी ओरियो खे तो पहली देखो राजा महाराजा से बहुत ज्यादा डरया करता जद हरपुज महाराज लखी बिनजारा ने दकाल रखियो तो लखी बिनजारो तो दूजवा लाग गयो और खेवा लागे कि नहीं बाप जी आपने को नहीं खेरे मैं तुम्हारी बिनजारी से बतला जाऊं आप तो स्नान करो कि हरभुज महाराज खेवा लागे रे बिनजारा मैं आ को नहीं खेरे भाई तू कुन ने खेरे और कुन ने नहीं खेरे मैं तो आ खेरे भाई जो समाचार किया भाई एक बार ही हो रुक है लखी बिन जारो खेवा लागियो की दाता मैं बाबा रामदेव जी महाराज से अर्जी करी हूं
क्योंकि इस संसार में या तो भगवान है कौन ही रहे तो मारे तो राम सा पीर से बढ़कर हूं। तो बाबा से अर्जी करी हूं कि अगर बाबो मारी बाल्द कमाए न भली कर दे नफो दे दे तो मैं भी की समाधि के ऊपर एक देवरो चिना दू और भी की प्रतिष्ठा कराए कलश सड़ाए फिर एक सात रोज जुमू जगा दू पर कद जगा दू जद माली बाल्द में नफो देवे जद हरबूजी महाराज के वाला गेरे बिड़जारा मरिया पाचे तो मंदिर देवरा छतरी चबूतरा एल की यादगार की चीजा बनाया करे है पर तू जीवता का ऊपर ही बना बाला गयो अग ढंगे न्याय रे भाई लखी बिड़जारो के वाला गयो कि नहीं दाता बाबा रामदी जी महाराज तो काल मारिया के सामने समाधि ले लिया हरबू जी महाराज खेबा लाग गया कि नहीं आ हो ही को नहीं सके बाबा रामदी जी महाराज समाधि लेवेला तो मां का वचन होगा है ये बात का समाधि लेवा से पहली माने समाचार करेला लखी बिड़जारो खेबा लाग गया नहीं होगी होगी सही है लखी बिड़जारो खेबा लाग गया कि दाता ये बात को मैं साक्षी को नहीं कि आपका वचन वादा होएड़ा है या नहीं होएड़ा है पर ये बात को मैं जरूर साक्षी हूं कि बाबा रामदेव जी महाराज काल मारी आंखों के सामने समाधि ले ली थोड़ी नदी ज्यादा कर दिया लखी बिड़जारो जब ये समाचार किया तो हरबू जी महाराज के मन में बहुत बड़ी बेचैनी होगी और खेवा लाग गया बिड़जारा तू झूठो है लखी बिड़जारो खेबा लागियो कि नहीं अलग दुहाई झूठ नहीं बोला पर्दे हो गया महाराज कुमार हे हरबू जी पर्दे हो गया है पृथ्वी का राजा हरबू जी महाराज मैं बिल्कुल सच्चो हूं और बाबा रामदेव जी महाराज काल मारी आंखों के सामने समाधि ले लिया तो हरबू जी महाराज के बहुत बड़ी चिंता होगी तुरंत आपका पैराइत बुलाए नौकर चाकरा ने और लखी बिड़जारा की बाल के चारों तरफ पैराइत खड़ा कर दिया कि जठा तक मैं ये बात का समाचार नहीं ले लूं वो बिड़जारो आपकी बालद ने उठार भागने जाए फिर भी हरबू जी महाराज की होगी बिड़जारा जा अब भी तू सांची खे दीजिए मैं तन माफ कर दू लखी बिड़जारो खियो कि नहीं मैं दाता मैं बिल्कुल सांचो हूं और बाबा रामदेव जी महाराज मारी आंखों के सामने समाधि ले लिया तो हरबू जी महाराज के बहुत बड़ी मन के मायने चिंता होगी बेचैनी होगी स्नान कर वो तो बंद कर दी और तुरंत दौड़ घर आया और हरि महाराज तुरंत दौड़ घर आया मन में अतरी बड़ी बेचैनी होगी कि न तो तन के ऊपर पूरा वस्त्र पहन सक्या और न घोड़ा के ऊपर जीन कस सक्या तुरंत घोड़ा की लगाम उठाई और घोड़ा के लगाम लगाई एक पीठ के ऊपर कथली घेर और तुरंत हो घोड़ा सवार हरबू जी महाराज रुणीचा रामदेवरा के लिए रवाना हो जाए तो देखो मारवाड़ का लोग अगर कोई भी शुभ काम के लिए घर से बाहर निकले तो पहले सोन लेवे और अगर सोन भला नहीं होवे तो उल्टा बावड़ जाए बस सोना न भला सोन ले रही घर से बाहर निकले पर कोशिश करे मारवाड़ की या एक रीति है तो जद हरबू जी महाराज हो घोड़े सवार और रवाना हुए गांव के बाहर लबंड निकल बाला गया मन में सोच रहे देखा सोन तो लेवा तो देखो हरबू जी महाराज ने सोन भी बहुत भला हुए तो आगे काई वार्ता
राधा स्वामी स्टूडिया में बेगाराम जी और आ तो दिखो लीला घोड़ा नो हसवा पचरंग पाग के जद खुशी हो प्योरे हरि मन माना बीच भड़क रो भालो चाय पानी पीओ आराम से बोलो राम सापीर बाबा जय हो कि पोंग प्लान पड़ा है पंथ मार्ग हरबू का मन में है घणो विचार सोनचड़ी बहलारी माता बा तरवर बैठी है पांख पसार जद गांव से बारे निकलिया तो सोनचड़ी बाई बांड से उडर दाइन बांड जार बैठी हरबू जी महाराज ने सोन भला होया हरबू जी महाराज बस सोना ने देख और क्यों बिनजारो झूठो है सुन तो आखिर है कि बाबू रामदेव जी महाराज अपन सामू गेला कमाई ने मिल सी पर ठीक है कि बिनजारा थारी खबर तो उल्टो आर ले आपका घोड़ा ने तेज हाथ में लियो जद लखी बिनजारा से समाचार सुन हरबू जी महाराज मन में बेचैन हो और बाबा रामदेव जी महाराज से मिलबा का तोर से रवाना हो गया बाबा रामदेव जी महाराज मन में सोच रहे आ तो भेजा हो गया हरबू से अपना वचन होएड़ा और अपा हरबू तुम समाचार करया कोनी अगर अब हरबू से अपनो मिलाप नहीं होवेलो तो हो ना हो इ दुख ने हरबू सहन कर सके या नहीं कर सके इ कारण से
बाबा रामदेव जी महाराज होली ले स्वार और हरबू जी महाराज के सामा चला जाए तो रोणीचा रामदेवरा और बोंगटी के बीच के मायने बाबा रामदेव जी महाराज को मालो है जिस जगह खूब जालियां का पेड़ है भटिन हरबू जी महाराज जल आपका घोड़ा ने तेज हाक मिले है तो दौड़ता हुआ घोड़ा के ऊपर से नजर पसारी चमकता हुआ भालो दिखाई दियो देखता देखता कि पचरंग बाग कैसे है जामो और आतो दिखियो है लीला घोड़ा को अस्वार हाना बीच भड़क रहे है भालो जद खुशी हो गयो हरबू मन माही देखता देखता जद बाबा रामदेव जी महाराज सामा आता हुआ दिखाई दिया तो हरबू मन में खुशी हो गयो तो कि माला की जाल मिल गया मोशी जाया और खूब हुई अमल्यारी मनवा गिरी गिरी दाख मिठाई मेवा बटिया तो बाबो रामदेव जी मिला हरबू जी से बुझा जल दोनों भाई आमने सामने मिला खूब खुशी हुआ घोड़ा से नीचे उतरिया अभी उजाड़ के मायने गादी गेंदवा तो ठसावा आपका घोड़ा की कथली बदल दोनों भाई बैठ जाए तो देखो मारवाड़ की एक रीति है कि दो प्रेमी अगर आपस के मायने मिले तो सबसे बड़ी मनवार अमल की क्रिया करे एक दूसरा के सामने अमल करे कि लो महाराज अमल आरोह तो हरबू जी महाराज और बाबा रामदेव जी महाराज दोनों आमने सामने अमल करे है खूब खुशी हुई है गले मिले है बाबा रामदेव जी महाराज के बल आगे रे हरबू ओ काई भेष बना मिले भाई अरे न तो घोड़ा को ऊपर जीन कस मिली न तन के ऊपर वस्त्र पैर मिले और घोड़ा ने दौड़ायो भी बहुत ज्यादा देख पसीनो चूर है हरबू काई कारण हो भाई ये दौड़ के आयो काई कारण है हरबू मन आज यहां लागे कि तू आज स्नान भी को निकरियो दिखे अब जद बाबा रामदेव जी महाराज साक्षात मिल गया हरबू जी महाराज को ध्यान भी बिनजारा का मायने लाग मिलो कि बिनजारा तू मार मायने फोड़ा पटक दिया थारी बात दशा करूला जी ने किया करे अब इन काई जवाब देऊं कि जो सामने बैठे हैं हरबू जी महाराज भी बात न टाल जाए बाबा रामदेव जी महाराज फिर घुमाए फिराए अरे हरबू बतायो को नहीं भाई तू ये क्या आयो हे दाता आपसे मिलबा की मन माएगी माएगी हरबू आपा दोनों भाई तो बचपन से अनेक बार मिले हैं हरबू आज तक तो को नहीं आयो पण तू ये हल्का भेष के मायने आज ही क्या आयो आखिर के माय हरबू जी महाराज मन में सोची कि ओ आपनो पीछो छोड़ को नहीं तो बतानी पड़ी तो कि दाता फिर आपने असली बात ही बता दियो अरे हरबू असली बताए नकली बतावे क्यों भाई तो कि फिर सुनो तो हरबू जी महाराज काई बाबा रामदेव जी महाराज ने कहवे हा वो दाता ओखे वे है हर भूसुनो ने दादो भाई ओ जी हे सुन लीजो साचा हर मुंह के ही नरे झोटा ओ जी जी और मन के मते में वे सतसा
कई न रे साचा रे हर मुंह कई न रे झोटा ओ जी जी हो मन के मते बे बे संसार ने पड़ डोले वाला जग धूचे लिया पृथ्वी ओ हो गयो कोई नरे अवतार मैं पड़ डोले वाला जग धुजली पृथ्वी पड़दे हो गया महाराज कमार पड़दे तो हो गया है पृथ्वी का राजा महाराज खेबल आ गया तो के दादा खेबे हरबू सुनो दादो भाई और ते सुन लीजो महाराज समाचार एक बेतोड़ी बात गुंगटी मायर में पड़दे सुन लिया महाराज कमा इयल का समाचार सुन लिया कि ते समाधि ले लिया पड़दो ले लिया हरे हरबू मत धार सामने बैठे अभी देखो ही जगह बाबा रामदेव जी महाराज खेबी दिया कि मैं समाधि ले लिया पर हरबू जी महाराज को ध्यान तो भी बिनजारा कमाए लाग रहे बात कर रहा बाबा रामदेव जी महाराज से और ध्यान बिनजारा में लाग रहे हो कि बिनजारा तू मार में फोड़ा पटक्या हरी दसाबा करूला जी ने खिया करे बाबा रामदेव जी महाराज के बल आ गया हरबू कई नर सच्चा हरबू कई नर झूठा मन के मते बेवे है संसार अरे मैं पड़ दो ले वाला जब तो तुझे लिया पृथ्वी पर वो हो गयो कोई नर अवतार हरबू तू जो समाचार सुनया बे भी साचा ही है कि जो कोई नर अवतार के मायने आयो हो वो ले गयो समाधि मैं तो थारे सामने बैठो अब हरबू जी महाराज की बात को विचार को नहीं लगायो कि बाबा रामदेव जी महाराज को जो अवतार हो वो नर अवतार ही हो और मैं कह दिया कि जो नर अवतार मायड़ो जो को ले ली नहीं समाधि ले गयो अभी बाबा रामदेव जी महाराज और हरबू जी महाराज खूब समय दोनों भाई आपस के मायने आपका मन तन की अनेक प्रकार की बातचीत करी बाबा तो सोरो पर अभी से बिछुड़बो दोरो गयो से पीछो किया छुड़ावा तो बाबा रामदेव जी महाराज केवल आ गया हरबू खाली मारे से मिलबा की खातरी आयो तू हाँ तो की दाता अब आप ही बताओ मैं यहाँ का समाचार सुन लिया तो सहन को नहीं कर सक्यो न तो स्नान कर सक्यो न तन पर पूरा वस्त्र पहन सक्यो न घोड़ा पर जीन कस सक्यो और बेचैन हो गयो तो तुरंत दौड़ रहा गयो अब आप मिल गया अब सारी चिंता दूर हो गई तो की हर मुंह फिर एक काम कर भाई अति दूर ही आ गयो तो अब तो थोड़ी सी दूर है रुणीचा रामदेव रह जाए फिर भी देखो हरबू जी महाराज नहीं समझ रहे हैं कि आप एकला क्यों भेज रहे हो आप क्यों को नहीं जा रहे हो साथ में बाबा रामदेव जी महाराज खेवा लाग गया हरबू रूणी चे रामदेव रे भी जाया और सुन मारे कन पांच चार एक चीज यहां की है जहां की मारे परेशानी है बेबी तू ले तो चल और जिया जिया मैं तन खेवू जिया जिया मन छिड़े छिड़े संभला दीजिए फिर भी हरबू जी बात को विचार नहीं लगा रहे है कि भाई चीजा दे रहे हैं न्यारा ना न्यारा समलावा दे रहे है आ कोनी पूछ सक्या कि थे चीजा का समलावा दे रहा हो तो फिर थे कटे जाओला बाबा रामदेव जी महाराज खेवे
हरे आती हर भूजी रूणी चले हरे भेदिया मारे हरी लारो आप हर भूजी रूणी चले हारो अरे पागर में चेरे रे मारा अलल अरे जानी करो हर साल समान पागर में चेरे रे मारा अलल साय पानी पीवा आराम से हो जान की करियाऊ हर वो साल समान ओ रतन कटोरो माता मेरा देने दीजो हो जी अरे पेड़ गेड़ी सदा भाई दाने दीजो भरा जसीरा दुहार पड़ा को पतारो रानी ने कल के ले दीजो ओ जी और सब भाई दाने दीजो भरा जसीरा दुहार हाथ की सिमरना भाटी हरि जी ने दीजो ओ जी अरे मंदिर यारी राख जो सार समान हाथ की सिमरना भाटी हरि जी अलख तू हई रे झूठ कटी बोला हो जी पड़े दे हो गया मारा चिपकार पड़े दे तो हो गया है रूही चारा फिर बाबा जय हो बाबा राम जी महाराज के पाला गया हर गो आप हर बुजी रुणी चाने हालो मैं भी आवा था कि लारो लार बागर में चरे मारा अलल बछेरा जा की करयाऊ हर गो में साल समाल हर गो ओ रतन कटोरो माता मेणा देने दीजो बेल गेड़ियो ब्रह्म देके हाथ कड़िया को कटारो तो रानी नेतल देने दीजो और सब भाईड़ा ने दीजो महाराज जसरा जोहार आ हाथ की सिमरना तो भाटी हरजी नहीं दीजो और खे दीजो कि मंदिर की राख जो थे साल समान इस प्रकार से जल्द बाबा रामदेव जी महाराज हरबू जी महाराज ने समलावा दिया हरबू जी महाराज फिर भी विचार नहीं करियो है कि भाई अपन एकला ने क्यों भेज दिए
हरभु जी महाराज केवल लाग गया वाह 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 दाता अभी कोई होबा की बात मैं एक लो जाऊंला आगे आगे और फेरते गेला सावला। अरे हाँ हरभु मारो घोड़ो है जो भूखो है हरभु को थोड़ो चरले बार में आयो थारी गेल के गेल के। हरभु जी महाराज केवल लाग गया तो दाता अगर थाको घोड़ो भूखो है तो धापेड़ो मारो भी को नहीं ओ माड़ो भी भूखो ही है और थकाड़ो चरसी तो माड़ो भी चरले सी थे तो जंगल है उजाड़ है थकाड़ा के पांती को तो चरे को नहीं थोड़ो आंतर चरले ही और कहीं उसी और मारे कोई उतावल भी को नहीं है थे सोचो भाई कोई उतावल है मन निर्भय हो रायो हूं थे तो बेचिंता रहो आराम से आपा दोनों भाई साथ ही चाल से। बाबा रामदेव जी महाराज मन में सोच रहे भाई हर सब भी चुके हैं छोड़ा हूं तो के हरभु साथ ही चाल सी के हाँ साथ ही चाल से तो कि फिर एक काम कर लगाए घोड़ा का लगाम चालो फिर चाल से। बाबा रामदेव जी महाराज और हरभु जी महाराज दोनों आप आपका घोड़ा को ऊपर सवार हो जाए। बाबा रामदेव जी महाराज केवल आगे हरभु बताए रे देखा याद कर अपन घुड़दौड़ कराया कतरा दिन बीत गया। हरभु जी महाराज हंसता हुआ हो दाता की घुड़दौड़ कराया तो बहुत दिन हो गया अपन तो। अरे तो हरभु आज देख कतरो सांतरो मौके आपने कन दुनिया कन चंगा भला घोड़ा है और मुंडा के रास्ते मार्ग भी खूब है तो क्यों नहीं आज घुड़दौड़ कराई जाए। बोल है मंजूर। हरभु जी महाराज हंसता हुआ हाँ तो के दाता मंजूर है क्यों नहीं करवावा घुड़दौड़। तो के हरभु एक बात सुन ले आज की जी की घुड़दौड़ है वा औरा दिन वाली तरह को नहीं होवली तो कि फिर किया होवली। तो कि यार आज की घुड़दौड़ जी की शर्त हो गए कि जो पहली रूणी चे रामदेव रे पहुंच जाए जो गेल रह जाए भी को घोड़ो जीत ले। बोल है मंजूर। तो हंसता भी हरभु जी महाराज कियो हाँ की दाता मंजूर है। तो देखो बाबा रामदेव जी महाराज इस जगह हरभु जी महाराज से थोड़ा चुपता हुआ बोलिया क्यों कि अगर चुपता हुआ नहीं बोलता तो हरभु जी महाराज बाकी बात न लख लेता। वास्ते केवल आ गया हरभु देख भाई अगर शर्त करे तो सो समझ कर जे भाई रे अगर मैं पहली पहुंच जाऊंगा तो फिर मैं थारो घोड़ो ले लागना तू छोटो छोटो मुंडो कर लो फिर इस प्रकार से जब चुपता हुआ समाचार किया तो हरभु जी महाराज भी खेबा लाग गया। तो फिर दाता आप भी सुन लियो ताके भी यो लीलो घोड़ो है जो बहुत ही प्यारो है अगर हरभु पहली पहुंच जाए लो तो फिर हरभु भी को नहीं छोड़े लो घोड़ा लो। अरे हरभु तो होती बात है जब आपने बीच में दुनिया के बीच में शर्त होगी अगर पहली पहुंच जाए तो ले लीजिए घोड़ा तो कि फिर मंजूर है इस प्रकार की शर्त कर और दोनों भाई आपका घोड़ा न तेज हाँक हाँक देवे तो बाबा रामदेव जी महाराज पहली आपका लीला ने थोड़ा आगे निकाल लियो। हरभु जी महाराज मन में सोच रहे आपने लोग घोड़े तो खुश की तो हरभु जी महाराज आपका घोड़ा के एक जोरदार चाबुक लगाई। हरभु जी महाराज को घोड़ो थोड़ो तेज दौड़ियो बाबा रामदेव जी महाराज लीला की लगाम खेची थोड़ो धीमो करियो तो दोनों बराबर हो गया। बराबर होता ही हरभु जी महाराज के मन में इयाल की हिम्मत होगी कि आप लो घोड़ो आगे निकलो तो जासी तो हरभु जी महाराज फिर आपका घोड़ा के एक जोरदार चाबुक लगाई है घोड़ो और थोड़ो तेज दौड़ियो है। बाबा रामदेव जी महाराज लीला की लगाम खेची थोड़ो धीमो हो हरभु जी महाराज को घोड़ो आगे निकलता ही बाबा रामदेव जी महाराज विलयमान हो गया। दौड़ता हुआ घोड़ा को ऊपर से जब बाबा रामदेव जी महाराज का घोड़ा की पगा की टाप सुनाई नहीं दी हरभु जी महाराज ने तो दौड़ता हुआ घोड़ा को ऊपर से पाचा बाउडर देखे बाबा रामदेव जी महाराज तो दिखाई को नहीं दी रहे। हरभु जी महाराज मन में सोच रहे ओ काई कारण हो अभी बराबर दौड़ रहे हो और दौड़ तो यो गेल होता ही गयो तो गयो कठे। हरभु जी महाराज आपका घोड़ा ने ढाब लेवे और कई बाबा रामदेव जी महाराज से अर्जी करे भेजी दोनों वीर बराबर छोड़िया
अरे सुरता लगाई है रूड़ी चारे भाई दोनों तो भी छिया राधा स्वामी स्टूडिया में बेगा राम जी जी सुरता लगाई रूड़ी चारे भाई बेबा पानी वाली बूंद तो संगत रामे मिल गई जद दुखी हो गयो हर भूमन पानी वाली बूंद संगत रामे रल गई मारी दर्शन दे वो ने दादो भाई ओ जी पढ़ दे हो गया महाराज कमाल पढ़ दे तो हो गया है पृथ्वी का राजा ओ पीर बाबा जय हो कि दोनों वीर बराबर चढ़िया और सुरता लगाई है रुणीचारे माय बा पानी वाली बूंद तो समंदर माई मिल गई जब दुखी हो गयो हर वो मन माई हर वो जी महाराज आपका घोड़ा ने ढाब लियो और घोड़ा के ऊपर बैठे हुए चारों मेर घोड़ा ने घुमाए देखे तो बाबू रामदेव जी महाराज तो कठिन दिखाई को नहीं दे रहे हो मन में बहुत बड़ी चिंता होगी ओ काय कारण होयो अभी बराबर दौड़ रहे और दौड़तो गयो तो गयो खुदे फिर देखो हरमुजी महाराज महाराज के मन में विचार होयो रे आज भी की नींद खराब होगी अपना ये घोड़ा को और ओ अपना घोड़ो है जखन कोसु है कि अपन याल को दे चकमो और टीबा के लगाए और पहली रूड़ी चाय पानी पीवा आराम से अपन तो धोखा कमाए नहीं जाल कमाए नहीं घेर दियो और आप पहली रामदेव पे पहुंच और अपना लो घोड़ो को सो जे हो तो अपन रुणीचे रामदेव रे चालनो चाहे वो चाहे कठिन से चक्कर लगा भी आसी तो आतोशी बैठे ही यहां को लगा विचार और हरभुजी महाराज फिर आपका घोड़ा ने उल्टो तेज हाँक देवे तो रुणीचे रामदेव रे पहुंचो तो बाबा रामदेव जी महाराज का बन सच में तमर शोक सभा लगाया बैठे हा सब तंवर हरभुज महाराज घोड़ा को बैठे बैठे तंवरा न देख और पूछ वाला आग जाए रे तंवरों आज किया किया बैठे हो रे भाई तो हरभुज महाराज कहे हरे तंवरों अरे मुंडी मुंडी मूछ भदरकिया हो जाए अरे काई पर गिरे आज भूडो लाग्यो है तमरा को परिवार
चढ़ते हो गया महाराज प्रमाण, पढ़ते तो हो गया है पृथ्वी का राजा। ओ जी वो बाबू राम ने जी मिलिया भुजा पसा, मिली उड़ा राम पीर बाबा की जय हो। हरभुज महाराज घोड़ा के ऊपर बैठे बैठे, अरे तुम रो मुंडी मुंडी मूछ भदर किया हो गया, आज काई मरगी मैना दे माई, अरे काई दादा अजमाल जी सुरक्षित हार गया, आज तो भूंडो लाग रहे है तमरा को परिवार, तमरो आज तो यहाँ लाग रहे है कि जाने कोई परिवार के मायन कोई गुमी होगी, वे जिया बैठे होते काई कारण है। हरभुज महाराज का समाचार सुन और सभी सारा का सारा तंवर जो नीचे नाड़ कर ली, कोई जवाब को नहीं दियो। हरभुज महाराज घोड़ा के ऊपर बैठे बैठे है तंवरों, अरे नीचे नाड़ क्यों कर ली भाई, अरे बोल जवाब तो देवो। जद तंवर जगह खेबा ला गया हरभुज, शर्म कर, अरे नीचे तो आ जा घोड़ा से, यहाँ ऊपर बैठो बैठो कहीं दीवानी बात कर रही है कि। हरभुज महाराज घोड़ा से नीचे आ गया और पूछवा लाग गया, लो भाई अब खे दियो तो कि तन कहीं पत्तो को नहीं, कि मन अगर पत्तो तो तुम थान को पूछ तू। अरे हरभुज देखा थोड़ो बहुत विचार ही कर तो मन के मायने थोड़ो दुखी प्रकट कर तो। हरभुज महाराज कह रहे कां को करवाओ भाई दुख प्रकट, जद मन पतो ही को नहीं कोई बात को तो थे दुख कां को प्रकट करवाओ। अरे हरभुज आज थारी एक भुजा खाली होगी, देखा थोड़ो मौन धारण कर तो थोड़ो बहुत दुख बटा तो मांगो भी। हरभुज महाराज केवा ला गया तमरो था की बात मांग रहे समझ में को नहीं आ रही थे काई के वो चाहे हो तो कितन काई पतो को नहीं, कि पतो तो फिर मैं तो बावड़ो के जो मैं थाने पूछ तो तो कि अगर नहीं पतो है तो हरभुज फिर सुन ले तो मैं तमरे जगह हरभुज जी महाराज लिखे हुए हरे हरभुज रे तीन दियाड़ा भाई डाली बात जिंदगी